सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आ चुके एक और कमाल की व्लॉग के अंदर। गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं, फाइनली मैंने डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली है। अब हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ के कंगारू ट्रैम्पलिन पार्क पर। अगर तुम लोग ने नहीं देखा है कंगारू ट्रैम्पलिन पार्क लखनऊ में, इसको खुले हुए से एक हफ्ता हुआ है अभी, और हम लोग वहां पर विजिट करने जाने वाले हैं। तुम्हें वहां मैं दिखाने वाला हूं टिकट प्राइस क्या है, क्या कैसा सा बना हुआ है अंदर से, उसका एम्बियंस कैसा है, और बाकी पूरा क्या क्या सीन है, क्या टिकट प्राइस है, कितना दूर है, कहाँ पर है, जगह क्या है, वो सारी जानकारी इस व्लॉग पे तुम्हें मिल जाएगी। इस व्लॉग को लास्ट तक देखना, तभी पूरा का पूरा जान पाओगे क्या क्या चीजें, क्या क्या जिसमें मैं पूरी डिटेल देने वाला हूं। व्लॉग अच्छा लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, इंस्टाग्राम पर शेयर करना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से बहुत सारे नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं। चलो लेट्स गो, निकलते हैं। So I can feel the break. I'm a lot, but I would never be a loner to never love in all of my days. तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमौसी में, और अभी थोड़ी देर और बस एक काम था मुफ्ताज को, तो वो निपटाने गया है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हम लोग को मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट लगने वाला है यहाँ से। उसके बाद अभी मैंने मैप सेट कर लिया है, फिर वहाँ पहुँचते तुम लोग को दिखाते क्या सीन होने वाला है। ठीक है, बता अभी मेरे साथ यहाँ पर क्या हो गया। हम लोगों ने लोकेशन डाली, हम लोगों ने गोमटी नगर की लोकेशन डाली, जहाँ जाना था हमें कंगारू ट्रैम्पलिन पार्क में, और हम आ चुके हैं स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क में। तो हमारा अच्छा खासा पोपट हो चुका है, बट अभी हम लोग दोबारा लोकेशन जा रहे हैं, यहाँ से दोबारा जा रहे हैं। अभी 4:30 मतलब तीन बज रहा है, 3:30 बज रहा है, तो यार अभी जल्दी से जल्दी हम लोग को जाना पड़ेगा। मैं क्या सोच के आया था, 30 किलोमीटर अभी हमें दोबारा जाना पड़ेगा यू टर्न करके। जहाँ से हम लोग आए थे वहीं पर था वो एग्जैक्टली, बट मेरे एक गलती की वजह से, जिसके नाम की वजह से चेंज होने की वजह से हम लोग यहाँ पर अभी है। फिलहाल इसके अंदर हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब भाई हम लोग जा चुके हैं, पुराना हो चुका है। तो फिलहाल मेरे पीछे तुम देख सकते हो ये कंगारू ट्रैम्पलिन पार्क, और तुम लोगों को मैं सीरियसली सच बता रहा हूँ भाई, हम लोग 70 किलोमीटर गाड़ी चला के आए, एक्स्ट्रा जी का भाई, फर्जी का, क्योंकि पहले हम लोग गए थे, हम लोग जब लखनऊ आए थे यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर आ गए थे ट्रैम्पलिन पार्क के पास, मुझे पता नहीं था कि ये इधर पड़ता है ट्रांसपोर्ट नगर पर। गूगल ने भाई स्काई जंपर पहुंचा दिया 35 किलोमीटर दूर, और हम लोग 2 घंटे तक यही करते रहे, आगे पीछे, फिर इधर से इधर, फिर अब जाके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्काई जंपर पे। ये नया खुला है, तुम लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं इसको दिखाऊंगा। इसके अंदर चलते हैं, अंदर क्या प्राइस है, क्या चीज़ें हैं, वो सब तुम्हें जानकारी अंदर मिल देने वाला हूँ। इतना ज़्यादा थक गए ना अब, पर फिलहाल अंदर चलते थोड़ा इन्जॉय करते। तो देख सकते हो भाई इस तरीके से पूरा का पूरा ये बना हुआ है, और इसके अंदर भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। अभी तो यहाँ बाहर कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, अंदर से तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या क्या प्राइस है, क्या पर पर्सन क्या प्राइस है, कैसा है अंदर से, स्काई जंपर से अच्छा है या नहीं है। बचपन के लिए तो सभी खेल सकते हैं। फिर फिलहाल अभी टिकट का प्राइस मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या प्राइस है। तो इसके 3-4 सेक्शन है, ऊपर भी है, ये वाला भी है।
अभी मैं तुम लोगों को दोनों के प्राइस बताऊंगा है क्या इसमें। I'm following you, take me up into the sky. बाकी इस एरिया को देख सकते हो, ये एरिया तुम्हारा खाना भी खाने पीने के लिए हो गया। जैसे यहाँ पर कोई आ रहा हो तो आप बैठ के खा सकते हो, बाहर का व्यू देख सकते हो, इस तरीके से आएगा। बाकी जगह एकदम सॉलिड है, स्काई जंपर से थोड़ा सा अच्छा है। इन लोगों ने दिमाग ये लगाया कि एकदम ट्रांसपोर्ट नगर के पास खोल दिया, लखनऊ के एकदम स्टार्टिंग में खोल दिया, तो जो बाहर से लोग आएंगे वो इधर ही आएंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से कार्ड मिलेगा, ये कार्ड तुम लोगों को मिलेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिया है 500 रुपये में। तो इधर एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, पेपर में लिखो, फिर जाके अंदर जाने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगी है और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है। ये शूज एरिया है, यहाँ पर अपने शूज उतार सकते हो, और ये तो हम लोग को टिकट मिल चुकी है, आधे फिलहाल अपने शूज यहाँ रख रहे हैं। देख सकते हो हम लोग को नए सॉक्स मिले हैं, आप इसको घर ले जाने को भी मिल जाए, मजा आ जाए। वो देख के हमारी बेइज्जती कर दी, मतलब हमें फटे शॉक्स से नए शॉक्स दे दिए हम लोग को। जाओ चलो भाई, तुम्हारा टर्न आ गया, आ जाओ। तो फिलहाल अभी हम अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर भाई बहुत ही तगड़ी 30 मिनट यहाँ पर है हमारे पास, सिर्फ 30 मिनट है। उसके अलावा हम लोग को बहुत चीज़ें करनी है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ इसमें उछलने, एक बार ट्राई करके देखने में, और दिखाओ भाई। अब एक
है इसमें जाकर। तो फिलहाल अब जा रहे हैं मुक्ता ट्राई करने एक बार इस वाले पे। तो ये बहुत तगड़ा ये बंदा है, ये इसको घुमाता रहता है आराम से। प्रमोशन भी तो कर रहे हैं तो उसके तीन घंटा तो मिलना चाहिए। सो गाइस अब मैं जाने वाला हूँ, क्या सीन होने वाला है उसका। आओ 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 आओ। बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग है। आ जा जा आओ, अब अभी इसमें डाल दे यार, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई नहीं अभी एक बड़ी मजा आएगी। ये वाला करने जा रहा है, देखते भाई कर पाते कि नहीं। ओके उछलना उछल उछलना है, स्टैमिना स्टैमिना दिखाओ यार अपना। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा अच्छी एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, तुम लोग जरूर आना। और अगर कानपुर से आ रहे हो तो पैसे ज़रूर लेके आना ज़्यादा, क्योंकि भाई तुम्हें जितना लगता है कानपुर में जो खर्च है ना वो कानपुर के हिसाब से कम है, पर लखनऊ में आओगे वो ज़्यादा पड़ जाएगा। कितना कर लिया है कि भाई बहुत ज़्यादा थक गए, दो तीन चार बार ब्लैक पेपर मारने की ट्राई करी यहाँ पर भी नहीं पड़ी, बट मज़ा काफ़ी आया। तो एक ये वाला राउंड है, एक ये वाला राउंड है जो कि करने जाएंगे हम लोग। देख सकते हो भैया दो दो लेके आ गए, पहले मैं जाऊंगा। चलो भाई चलते हैं। फाइनली यार कैमरा लेके मैं पहली बार जा रहा हूं। ये अमेजिंग है भाई, ये खतरनाक है। बिल्कुल सीधे ही आ गए यार, कुछ हुआ ही नहीं। सो फाइनली हम लोग को यहाँ पर आए हुए, अभी तो मुझे लग रहा है आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, पर उन लोगों ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं, पर हम लोग पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते हो भाई किस तरीके से पीछे यहाँ पर माहौल है, तो काफ़ी तकड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ जरूर आना, पर थोड़ा सा प्राइस महंगा है यार, महंगा है। तो ये वाला एरिया ये टू जंपर एरिया है, एक जन वहाँ जंप करेगा एक जन यहाँ करेगा। बीच वाला जो है वो ऊपर तक जा सकता है अगर दोनों जन एकदम पोटेंशियल एनर्जी के साथ लगाएंगे। ये काफ़ी मस्त चीज़ है। तो फाइनली हम लोगों ने सारा जो अंदर झूलना उलना था वो कर लिया है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो ये तो मत ध्यान में रखो, कोई वीकेंड अगर पड़ रहा है तो प्राइस हाई होगा या कम होगा। यहाँ कोई भी वीकेंड हो चाहे नॉर्मल डे पे आ रहे हो तब भी प्राइस हाई है। और यही चीज़ है कि अगर घूमने वाली बात है तो यार घूम सकते हो, बहुत सही जगह है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ जाता है लखनऊ के स्टार्टिंग में ही। कानपुर वाले अगर जितने लोग देख रहे हैं यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हो, ये है कि बहुत ईजी पड़ेगा, बाहरी बाहर पड़ जाता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक बार विजिट करो। बाद यहाँ ध्यान रखना जब आओ तो भाई इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, अगर थके हुए आ रहे हो बिल्कुल ना इंजॉय करने आना है तो ज़रूर आना भाई। उछलते आधे घंटे में मेरा इतना ज़्यादा पसीना आ गया, ऐसा लग रहा है मैं जिम कर चुका हूँ। अभी इतनी ज़्यादा भूख लगी है, हम दोनों जा रहे हैं भूख खाने यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, एक कार्ड मिला था, कार्ड में भी थोड़ा बहुत बैलेंस पड़ा, अगली बार आएंगे उसको यूज़ कर लेंगे। फिलहाल अभी चलते इसकी बाइक से, अगली बार आएंगे तो यूज़ कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नया कार्ड ले लेंगे, उसमें क्या है। पहले चलो यार, बहुत तेज भूख लग रही है यार कसम से। आज हम लोगों ने पूरा दिन मतलब इधर से उधर, गाड़ी में तो इतना ज़्यादा हो गया भाई, दिमाग ख़राब हो गया भाई। ऑडी Q4 बहुत बढ़िया गाइस, ऑडी Q4 देखो, ऑडी Q4 भाई साहब। So
सो फाइनली गाइस मैं घर वापस आ चुका हूँ, और अगर आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया या इस ब्लॉग की कोई भी पार्ट, क्या कोई भी पार्ट आपको मज़ेदार लगा उसको कमेंट पे मुझे ज़रूर से बताना आपको कौन सा पार्ट इस ब्लॉग का सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो भी लखनऊ के कंगारू टेम्पलिंग पार्क जाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को शेयर करना। इस डिटेल पूरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और भी बहुत सारे नए ब्लॉग आने वाले हैं, और भी मैं बहुत बाहर जाने वाला हूँ, और भी बहुत सारे नए नए बाहर जाके मस्त ब्लॉग बनाने वाला हूँ, एंड आई लव ट्रैवल व्लॉगिंग्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाबा शुक्र जन मन मातरम गाइस, थैंक यू।